वेलकम टू द हॉन्किंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. हियर पीपल हॉन्क इवन व्हेन द सिग्नल इज रेड. सवाय है ना. मे बी दे थिंक दैट बाय हॉन्किंग दे कैन मेक द सिग्नल टर्न ग्रीन फास्टर. समझतच ना. We, the Mumbai police, were itching to do something about this. One day, we connected decibel meters to a few signal poles around the city. If the decibel level went over 85 dB, the signal would reset and stay red for longer. कॉलेजेस हों, स्कूल्स हों, हॉस्पिटल्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, हमने अक्सर देखा है कि इनके बाहर लिखा जाता है कि हॉर्न बजाना मना है. कुछ जगहों पर इसके ऊपर फाइन की बात भी लिखी नज़र आती है. लेकिन उसके बावजूद हम लोग ज़्यादा सीरियसली इन चीज़ों को लेते नहीं. लेकिन एक जगह पर हम ज़रूर इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं, वो तब जब हम किसी सिग्नल पे फंसे हों और सिग्नल खुलने में 5 या 10 सेकंड बचे हों. हमने अक्सर नोटिस किया कि जम्मू के अंदर जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वहाँ पे सिग्नल खुलने से 10 सेकंड पहले इतने हॉर्न्स बजाए जाते हैं, यूं लगता है कि सिग्नल खुले ना खुले पिछली गाड़ी वाला अगली गाड़ी वाले को रोनते हुए आगे निकल जाए. यही कुछ मुल्क भर में होता है. देश भर के बड़े बड़े शहरों का यही हाल है. खैर, हम अपने लोगों की सिविलाइजेशन को जो है, अपने मैनर्स को या मॉरल्स को तो हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद ये देखने को मिलता है. इसी सिलसिले में बॉम्बे पुलिस के ट्विटर हैंडल ने एक वीडियो वायरल किया और वीडियो का था हॉन्क मोर वेट मोर. कि आप जितना हॉर्न बजाएंगे आपको उतना इंतजार करना पड़ेगा. इंटरेस्टिंग लगा तो हमने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करें. मालूम किया तो बॉम्बे पुलिस ने जो है डेसिमल मीटर्स इंस्टॉल किए अपने सिग्नल्स के पास और ये मॉनिटर्स नॉइज पोल्यूशन को मॉनिटर करने वाले मॉनिटर्स हैं. यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी, एक लिमिट्स सेट की गई, एक डीबी लिमिट सेट की गई जो कि 85 की रखी गई और इस लिमिट तक हॉर्न बजे तो ठीक, अगर इस लिमिट से बाहर हॉर्न बजते सुनाई दिए तो सिग्नल वापस अपनी पोजीशन पे चला जाए, चाहे वो 30 सेकंड से शुरू हुआ हो, चाहे वो 60 सेकंड से या 90 सेकंड से शुरू हुआ हो. इस तरह से जो है लोगों को एक तरह से पनिशमेंट तो ज़रूर मिल रही है. सिग्नल पे वेट करना, हॉर्न ना बजाना, उनको इस तरह का एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है पुलिस. इस चीज़ को फॉलो करते करते बेंगलोर पुलिस ने भी सोचा कि इसको अपनाया जाए और कुछ जो है हॉर्न दो. बेंगलोर पुलिस कमिश्नर ने यह कहा इतना इशू नहीं है हॉर्न्स का, बट स्टिल जो कुछ भी थोड़ा बहुत है ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, हमको इसको जो है अडॉप्ट करना चाहिए. लेकिन ये प्रॉब्लम मुल्क भर की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमारी भी है. ये सिर्फ पुलिस की प्रॉब्लम नहीं है, ये लोगों की भी प्रॉब्लम है कि हमें समझना चाहिए कि टाइम 5 सेकंड 10 सेकंड वेट करना, जब हम 50 सेकंड वेट कर चुके होते हैं तो उसके बाद 10 सेकंड वेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए और अपने आप को एक सिविलाइज्ड सिटीज़न साबित करने के लिए अच्छा मौका होता है. इसके साथ ही ज़्यादा देना चाहूँगा. शुक्रिया.